पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? चुनाव प्रचार बढ़िया चल रहा है। आपकी उपस्थिति तो बढ़ी रही है संसद में, तो उसका फिर फायदा भी मिला कुछ? जब मैंने 15-16 किलो वजन कम करा था, बोला अभी और करो, तो मुझे और मोटिवेट करा। मैं विधायक था, मैं नर्मदा लाइन लेके आया, वो 225 गांव की योजना थी। ये तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं, इनको कोई मुद्दा नहीं मिलता, ये जैसे कोई। और मैंने चलते हुए रोड को 4 लेन कराया, नेशनल हाईवे। और अभी घोसला से झालावाड़ के लिए भी DPR तैयार हो गई है। नई सरकार में बने हैं, वो मेरे वोटर है और मैं उनका वोटर हूँ। लिंजन की सरकार का डबल फायदा हमको जो मिल रहा है, तो वास्तव में उसका आपको दिख रहा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने जो वादा करे वो सब पूरे करे। इंडस्ट्री एरिया आ गया, आप चेकिंग कर लो, कोई तकलीफ नहीं, कागज कंप्लीट है, जाने दो, हमारे उज्जैन का नाम नहीं खराब करना। 90 से लेकर अभी तक हमारे यहाँ सिर्फ कोई इंडस्ट्री नीति से बाबा महाकाल के अलावा डिवाइस माननीय प्रधानमंत्री जी ने उज्जैन में दिया, जिसमें मेडिसिन बनेगी और इंजेक्शन से लेकर वेंटिलेटर तक की कंपनियां यहाँ आ गई हैं। मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि मैं जब सांसद बना तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुझे काम करने का मौका मिला। क्या खबर देख रहे हैं, आज मैं उज्जैन के सांसद और अभी BJP से उम्मीदवार अनिल फिरोजिया जी के साथ हूँ, और आज हम उज्जैन का भ्रमण करेंगे और जाने की कोशिश करेंगे कि फिरोजिया जी ने जो काम किए हैं वो कितने अच्छे काम हुए हैं और अपने कामों से वो कितने संतुष्ट है। इसके साथ साथ आज मैं देश के कई मुद्दों पर उनसे चर्चा करने वाला हूँ। फिरोजिया जी, आपका बहुत स्वागत है सत्य खबर। धन्यवाद। तो मेरे ख्याल से हमें यात्रा शुरू कर देनी चाहिए। चलिए। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि फिरोजिया जी को बुलेट बाइक बड़ी पसंद है, और वो ज़्यादातर अपनी जो सवारी हैं बुलेट से ही करते हैं, और आज मैं उनके साथ बुलेट पर ही चलूँगा और इसी दौरान लोगों से इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनका कैसा रहा जो पिछले 5 साल का सांसद का सफ़र है। फिरोजिया सर, पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? चुनाव प्रचार बढ़िया चल रहा है। अभी हम लोग पहला एक राउंड, हमारा पूरा संसदीय क्षेत्र अभी चुनाव की दृष्टि से मैं घूम चुका हूँ। वैसे तो मैं पूरे 5 साल ही घूमता हूँ, लगभग 250 से 300 किलोमीटर पर डे मेरा एवरेज निकला गाड़ी का, कि मैं इतना घूमता हूँ। क्योंकि मैं मोदी जी ने जो कहा कि जनप्रतिनिधि को जनता के बीच में ही रहना चाहिए, तो हम सतत 5 साल हमने यही प्रयास करा कि जनता के बीच में रहे और जनता की तकलीफ को सुने और उसका हल करें। मैंने पूरे 5 साल यही काम किया, यहाँ तक कि कोविड में भी मैं एक दिन भी घर पे नहीं रहा, सतत पूरे क्षेत्र में घूमता रहा और जनता के बीच में रहा और उनकी सेवा करता रहा। और मैं आपका अभी आज एक रिपोर्ट कार्ड देख रहा था, आपकी उपस्थिति तो बढ़ी रही है संसद में, तो उसका फिर फायदा भी मिला कुछ? बिल्कुल, संसद में हम पूरे टाइम बैठते थे, लेकिन बीच में मेरे को जैसे कभी चुनाव में जाना पड़ा तो उस टाइम जरूर मैं चुनाव में गया, उसका अनुमति लेके गया, लेकिन मेरी रिपोर्ट कार्ड जो है लगभग 80% मेरी उपस्थिति है, और मैंने क्वेश्चन भी पूछे हैं और अपने क्षेत्र की समस्याओं को भी वहाँ रखा और हल भी कराया। हाँ, तो बड़े प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें, संसद में जब आप बैठे आपने आवाज़ उठाई, तो उनसे बड़े प्रोजेक्ट्स जो आपने इस क्षेत्र को दिए, मैं पहले वही जानना आपसे चाहूँगा। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो मैंने बोला था नमामि गंगे की तर्ज पे नमामि शिप्रे, वो प्रोजेक्ट जब मैंने बात करी तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे जल शक्ति मंत्री ने उसको स्वीकृत करा और नमामि गंगे की तर्ज पे नमामि शिप्रे हमको प्रोजेक्ट दिया है, जिससे हमारी शिप्रा मैया जो प्रदूषित हो रही है खान नदी से, वो मतलब अब उसको बिल्कुल कलकल कलकल करने रहेगी, और उसके बाद वो प्रदूषित मुक्त भी होगी। अच्छा, एक आपकी जो बड़ी चर्चा है वो नितिन गडकरी के साथ जो आपकी एक बैठ लगी थी, ये कह सकते हैं, या उन्होंने जो आपको चैलेंज दिया था, और बताते हैं कि 20 किलो आपने जब वजन किया, 20,000 करोड़ रुपए का आप
यहाँ पर विकास कार्यालय, ये एक बड़ी अमाउंट होती है, तो यूज कहाँ हुआ वो 20,000 करोड़? एक्चुअली क्या है कि जब गडकरी जी आए थे कार्यक्रम में, तो उन्होंने कहा था कि उनने अपना बजट बताया था कि 135 किलो है, और बोले अनिल तुम्हारा भी वजन बहुत ज़्यादा है। हाँ साहब, तो उन्होंने जब भाषण देने खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि सांसद जी, मैंने उनसे डिमांड रखी थी, तो उन्होंने बोला सांसद जी अगर आप 1 किलो वजन कम करेंगे तो हम आपको 1,000 करोड़ रुपये उज्जैन आलट संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए देंगे। उस अवसर को पकड़ा, क्योंकि मोदी जी हमेशा कहते हैं कि आपदा को अवसर में बदलो, पर आपदा नहीं थी, अवसर था। तो मैंने उस अवसर को कैच करा, और मोदी जी का जो दिया हुआ स्लोगन है, नारा है कि फिट इंडिया, हम फिट रहेंगे तो भारत फिट रहेगा, तो ये अवसर मेरे को मिल ही गया था कि फिट भी हो जाऊंगा और मेरे क्षेत्र का विकास भी होगा और मोदी जी की बात को अक्षर का पालन भी होगा। तो मैंने भिड़ के 40 किलो वजन कम करा, तो गडकरी जी भी बोले भाई उनका लगा था कि 2-4-5 किलो वजन कम करेगा, उनको क्या मालूम था कि दीवाना मस्ताना बिल्कुल जरूरी है। मेरा 5 किलो वजन, मेरा 40 किलो वजन कम करा, और गडकरी जी ने भी और प्रधानमंत्री जी ने भी अपना वादा निभाया, माननीय प्रधानमंत्री जी भी बड़े प्रसन्न हुए। अच्छा, दूसरा मैं ये जानना था, बताया कि सर मैंने लगभग इतना वजन कम करा, तो उन्होंने बोला कि अनिल अभी तो और कसर बाकी है। जब मैंने 15-16 किलो वजन कम करा था, बोले अभी और करो, तो मुझे और मोटिवेट करा माननीय अमित शाह जी, माननीय गडकरी जी, माननीय हमारे नड्डा जी, सब ने मुझे बहुत मोटिवेट करा, और उसी प्रेरणा से मैंने अपना वजन और कम करा, और इससे उज्जैन का विकास भी संभव हो पाया। महेश परमार को आप कितना चैलेंज मानते हैं? देखो, मैं ये कोई चैलेंज नहीं है, पहले भी जो चुनाव में विधानसभा में हमारे साथ उस टाइम 3-4 बातें हो गई थी, और जिसके कारण ये चुनाव हमारा विधानसभा का वो जीत गया था। वो जो सामने वाला प्रत्याशी है सिर्फ झूठा झूठ बोलना, झूठे वादे करना, और कोई भी बात को उसको पूर्ण नहीं करना, काम निकल जाए और आगे निकल जाना, ये अब जनता समझ गई है। जबकि मैंने जैसे कि कहा था, मैं नर्मदा लाइन लेके आया कराना में, जब मैं विधायक था मैं नर्मदा लाइन लेके आया, वो 225 गांव की योजना थी, लेकिन बदकिस्मती से जब हमें हारा था और हमारी सरकार चली गई, तो वो योजना, ये विधायक बने, वो योजना जो 275 गाँव के लिए बनाई गई थी, वो मात्र 77 गाँव में ही रह गई, बाकी वो दूसरे क्षेत्र शाहजहाँपुर इस तरह ले गए लोग, तो ये वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाए, इनने विकास के नाम पे वहाँ पे कुछ भी नहीं करा, और जो भी वादे करे सब कोरे साबित हुए, ये सिर्फ झूठ और झूठ का बुलंदा। इनने कोविड में भी, ये विधायक वहाँ के थे, लेकिन ये उज्जैन में आके यहाँ पे बस मीडिया पे जाके और ज़रा सी चीज़ भी नहीं करते, और वह हाफ हूँ उनका एक रहा है, प्रोपेगंडा करना, झूठ बोलना कांग्रेस का एक स्लोगन है कि झूठ बोलो जोर से बोलो। अगर मैं तराना में सांसद था, अगर मैं तराना नहीं जाता, वहाँ पे अपनी व्यवस्थाएं नहीं जमाता, वहाँ कोविड सेंटर नहीं खोलता, वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं पहुँचाता, वेंटिलेटर नहीं पहुँचाता, कोविड सेंटर में जा जा के हमने लोगों की सेवा करी, चाहे वो माकड़ों हो, चाहे तराना हो, चाहे कायदा हो, हमने वहाँ कोविड सेंटर बनाए, और सबसे बड़ी बात कि हमारे उस टाइम प्रभारी मंत्री, अभी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, वो उज्जैन के प्रभारी मंत्री थे, उनको क्योंकि सरकार बनी थी और उनको प्रभार उज्जैन का ही दिया था, वो भी मेरे साथ सतत, एक दिन ऐसा नहीं गया होगा कि मोहन यादव जी और हम पूरे क्षेत्र में नहीं घूमे, हमने जाके पूरे क्षेत्र की समस्या को करा और समझा और उनके सहयोग करा, तब जाके हमने कोविड में विजय प्राप्त की, चाहे वो अपने सूखा राशन हो, चाहे वहाँ पे पूड़ी बनाने का काम हो, सब हमने करा। तो इन्हें विकास भी नहीं करा, इन्हें जनता के बीच में भी गए, ये तो सिर्फ नेता राजनीति, ये तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं, इनको कोई मुद्दा नहीं मिलता, ये जैसे कोई जैसे आपदा आई तो उसमें भी इनको राजनीति सोच पड़ी। और इसलिए मैं नहीं मानता कि जनता इन पर विश्वास कर रही है, महापौर में भी इन्होंने जब ये यहाँ उज्जैन में लड़े थे आए, तो जनता का वहाँ की तराना के विधायक है, तो वहाँ की जनता इनके बारे में यहाँ आके बोली और मीडिया में
बोला कि ये झूठे हैं ना, ये है ना वो है। अच्छा संसद साहब, जो आप कह रहे थे कि हमने फोर लेन बनवाई है, ये कौन सी फोर लेन है जिसका आप जिक्र कर, ये भी उसी में शामिल है? हाँ, ये जो है देवास से बड़नगर होते हुए सैलाना, क्योंकि हमारी बहुत पहले से डिमांड थी, क्योंकि जो उज्जैन देवास वाला रोड है ये जाके भोपाल टच होता है और भोपाल इंदौर हाईवे पे एवी रोड पे टच होता है, और ट्रैफिक इतना हो गया है कि टू लेन पे गाड़ियाँ ओवरटेक करना या निकलने में बहुत काफ़ी एक्सीडेंट भी हो रहे थे और तकलीफ भी आ रही थी और जनता की डिमांड थी। तो हमने माननीय गडकरी जी से जब मांग रखी तो उन्होंने इसको स्वीकृत करा। यह लगभग 2200 करोड़ का रोड है, और इसमें एक चीज़ और है कि जो उज्जैन गरोट रोड आ रहा है उसको और उज्जैन झालावाड़ रोड को हमने आउटर रिंग रोड भी इसमें फोर लेन पे बना दिया, ताकि आने वाले सिंहस्थ में, आने वाले हमारे जो सिंहस्थ 2028 में, तो उसमें जनता को, तीर्थयात्रियों को सुविधाएं मिले और सुविधा ना हो। तो हमने आगे आप चलेंगे तो चंद्रेसरा से इसको हमने जोड़ते हुए ले गए हैं, और उसको तो वहाँ पे कानीपुरा के वहाँ पे मिलाते हुए, और इसको गरोट रोड से, उज्जैन गरोट रोड फोर लेन है वो, लगभग वो भी 4,500-5,000 करोड़ का है। वो रोड जा रहा है भारतमाला से जाके जावरा में टच हो रहा है, तो वो एक कनेक्टिविटी, जिसको जैसे दिल्ली जाना हो, हैदराबाद जाना हो, तो वो यहाँ से सीधा उस रोड पे चला जाए तो इधर जाएगा तो मुंबई चला जाएगा, और इधर दिल्ली हैदराबाद के लिए। और उसके बाद उसी रोड को हमने उज्जैन झालावाड़ फोर लेन, वो भी हमारी बहुत समय से डिमांड थी, तो उसको भी मतलब ये लगभग कंप्लीट हो गए हैं और लोकार्पित कर दिया हमारे प्रधानमंत्री जी। तो इसका मतलब ये है कि ये कह सकते हैं कि उज्जैन में जो भीड़ थी वो भीड़ बहुत कम हो गई है, और जो बाहर से जितने भी यात्री आएंगे उनके लिए सुविधा बढ़ गई है। बिल्कुल, हमको तो सुविधा देना ही है। और अभी उज्जैन से घोसला वाला जो उज्जैन झालावाड़ है, तो घोसला तक फोर लेन हो गया, और मैंने चलते हुए रोड को फोर लेन कराया नेशनल हाईवे, और अभी घोसला से झालावाड़ के लिए भी DPR तैयार हो गई है। तो जो गडकरी जी से हमने मांगा, माननीय प्रधानमंत्री जी और गडकरी जी ने, तो वो हमको दिया है। और ये बात भी मैं बता दूं कि लगभग देश आज़ाद हुए 77 साल हो गए, 77 साल के इतिहास में पहली बार उज्जैन नेशनल हाईवे से जुड़ा है। और अभी कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए आपने अप्लाई किया, जिन पे काम? बिल्कुल, अभी जो है जावरा से नागदा उन्हेल उज्जैन होते हुए पीतमपुर, ये भी मेरी डिमांड थी। तो मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, चूंकि मोहन यादव जी जो अभी नई सरकार में बने हैं, वो मेरे वोटर है और मैं उनका वोटर हूँ, तो वो डिमांड हमारी मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी ने स्वीकृत कर दी, कैबिनेट में उसको स्वीकार कर लिया। आपने अगर सुना हो, मैंने कई बार संसद में बोला है कि बहुत एक्सीडेंट होते हैं, उसमें लगभग ऐसा एक दिन नहीं जाता था जिसमें एक्सीडेंट नहीं हो रहे हों। तो हाँ, हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री ने मेरी उस डिमांड को सुना, गंभीरता से लिया, और कैबिनेट में वो प्रस्ताव लाके उसको स्वीकृत कर दिया। जब आचार संहिता लग गई, आचार संहिता के बाद उसका सर्वे होगा और उसको वो रोड बनाने का अब मार्ग प्रशस्त होगा। अच्छा एक बात है, अभी आप मुख्यमंत्री जी का जिक्र कर रहे थे, तो ये मान के चले कि सच में डबल इंजन तो आपको मिला है, कि मुख्यमंत्री भी आपके यहाँ से, सांसद आप हो गए, तो डबल इंजन की सरकार का जो दावा करते हैं वो डबल इंजन आपके हिस्से में आया? नहीं नहीं बिल्कुल है, डबल इंजन की सरकार जब तक इतने फायदे हो रहे हैं। जब से मध्य प्रदेश में BJP की सरकार और केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो उसका फायदा ये नेशनल हाईवे आना, ये रेलवे स्टेशन नए आना, अमृत काल में नए रेलवे स्टेशन आना, मेडिकल जो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा आत्मनिर्भर भारत, और उसके अंतर्गत मेडिकल डिवाइस को आना, इंडस्ट्री आना, ये डबल इंजन की सरकार का डबल फायदा हमको जो मिल रहा है, तो वास्तव में उसका आपको दिख रहा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अभी जैसे ये नेशनल यहाँ पर हाईवे पे खड़े हैं, अभी आगे अपन चलेंगे इंडस्ट्री एरिया, जहाँ पे उज्जैन में पहले हीरा मिल, विनोद मिल, इंदौर टेक्सटाइल, श्री सिंथेटिक्स, मॉडर्न फैक्ट्री और इसको थी, वो 90 के दशक में सब कांग्रेस शासन में बंद हो गई, और हमारे यहाँ बेरोजगारी थी। लोग ये कहते थे कि मैं जब चुनाव लड़ा कि फिरोजी असाम यहाँ पे रोजगार के लिए कुछ करो, कुछ करना पड़ेगा, और मैंने वादा करा था। आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने जो वादा करे वो सब पूरे करे। इंडस्ट्री एरिया आ गया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ गई, चाहे अमोल की हो, चाहे वो मैं चाहूँगा फिरोजिया जी ये बात हम वहाँ करें, क्योंकि उसको लेकर के भी मेरे एक दो बड़े सवाल हैं,
जो आपसे करना चाहूंगा। चलिए सांसद जी, जिस प्रकार से अभी ये जो पुलिस कर्मचारी खड़े थे और यात्रियों को जिस प्रकार से रोक रहे थे, ये इस प्रकार के मामले तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी में डालने वाले हैं, तो आपके संज्ञान में रहता है या फिर आज आप जब बाइक पे निकले तभी सामने आई ये बात? नहीं नहीं, ये पहले भी ये क्या होता है कि कई मैंने देखा है कि ये रोक लेते हैं और उनके कागज देखना ये करना परेशान करते हैं। तो मैंने पहले भी एसपी से, जो तात्कालिक एसपी थे शुक्ला जी, उनको बोला था तो उन्होंने कार्रवाई करी थी, फिर ये बंद हो गया था। अच्छा, ये क्या है, बाहर की जो गाड़ियाँ आती है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, तो उनको रोकना क्यों रोकना? फैमिली के साथ है, अपने पूरे कागज़ कंप्लीट करके आए हैं, आप जांच करो और जाने दो। हाँ, अभी पहले भी मैंने बोला था तो सस्पेंड हुए थे तीन, और आज भी मैं बाइक से निकला हूँ तो भाई आज वो महामृत्युंजय द्वार के बाहर रोकते थे, अभी देखा मैंने बाइक से आया हूँ तो यहाँ पर रोका। मैंने उनको बोला, मैंने गलत है तो उन्होंने सॉरी बोला कि नहीं सर ऐसा है सर, मैं कह नहीं आप एहतियात बरतो, बरतना चाहिए, तो आप चेकिंग कर लो, कोई तकलीफ नहीं, कागज़ कंप्लीट है, जाने दो, हमारे उज्जैन का नाम नहीं ख़राब करना। क्योंकि ये क्या है कि हम लोग, आपको मैं बता दूं, मैं दिल्ली जाता हूं, मैं जहां दिल्ली में मैंने लोगों को कहा, असम में कहा, मैं गुजरात में गया, सब दूर जहां भी देश में जाता हूं वहां सब दूर यही कि आप आइए बाबा महाकाल की भस्म आरती करिए, आप आइए साहब, आप हम आपको दर्शन कराएंगे। और तो हम हमारे बाबा महाकाल की महिमा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब से महाकाल लोक का लोकार्पण करा है और मीडिया में जो बहुत प्रचार प्रसार हुआ है, क्योंकि महाकाल तो आदिकाल से है, लेकिन महाकाल लोक के बाद जो प्रचार प्रसार हुआ उससे लोगों की जिज्ञासा बढ़ी और लोगों ने सबसे ज़्यादा सर्च करा है गूगल पे और लोग आ रहे हैं, तो इनके आने से हमारे उज्जैन की अर्थव्यवस्था में बहुत वृद्धि हुई है, हमारे युवाओं को रोज़गार मिला है। तो ये हम भी चाहते हैं दिल से कि हमारे यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, उन्नति हो, तो दर्शन और लोगों को दर्शन का लाभ भी मिले, वो आएंगे, रुकेंगे, यहाँ खाएंगे, यहाँ घूमेंगे, तो पैसा तो आता, रोजगार का अवसर भी पैदा हुआ है इससे। अरे बहुत बड़ा हुआ साहब, हमारी आर्थिक स्थिति बदली है। आपने अगर राष्ट्रपति जी का भाषण, अभिभाषण सुना हो तो माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी कहा कि एक साल में लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ पे जनता आके दर्शन करके गई है, तो वो आए हैं या रुके हैं हमारे यहाँ पे। आप देखेंगे कि कोविड के बाद की स्थिति और अब की स्थिति इतनी अच्छी हो गई है कि लोग बड़े खुश हैं। हमारे यहाँ होम स्टे चालू हो गया, होटलें तो बनी है लेकिन होम स्टे भी चालू है, तो उससे लोगों को रोजगार मिला है, घर घर में सपना है वो साकार हो रहा है, हमारा सपना साकार हो रहा है, घर घर में रोजगार गया है, बिल्कुल हुआ है साहब, युवाओं को बहुत रोजगार मिला और मिल रहा है। तो अभी आप इसकी शिकायत भी करेंगे एसपी साहब को कि इस प्रकार से क्यों परेशान किया जा रहा है? नहीं, मैंने बात करी ना, क्या है कि उन्हें हालांकि सॉरी भी बोला लेकिन मैंने उनको समझाया, मैं कहा सॉरी वाली बात नहीं है लेकिन आप परेशान मत करो, तीर्थयात्री आए, दर्शनार्थी आए, आप चेकिंग करो ना, ये आपका आचार संहिता लगी है, हम भी मानते हैं ये आचार संहिता, ये वो आप बराबर जाँच करो, लेकिन परिवार के साथ है उनको क्यों, और उनको भी उनका कागज कंप्लीट है तो जाने दो। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है, कानून सबके लिए, मेरे को भी, मेरी भी जांच करो, वो मेरे को कोई तकलीफ नहीं, लेकिन परेशान मत करो हमारे दर्शनार्थी तीर्थार्थी को, ताकि हमारा इम्प्रेशन खराब ना हो। ठीक, चलिए अब इंडस्ट्रियल एरिया जाके बात करते हैं। ये जो सड़क है ये क्या है सर? ये इसको हमने इस रोड से, ये हम देवास रोड पर खड़े हैं जो नेशनल हाईवे 4 लेन पर, ये जा रहा है गरोड़, ये गरोड़ मतलब ये समझ लो कि आप यहाँ से ये जाएगा तो कानीपुरा रोड से होता हुआ, अच्छा, आगर रोड को टच करता हुआ ये महितपुर होते हुए गरोड़ जा रहा है और वह जाएगा भारतमाला पे टच होगा, और यही रोड आगे यहाँ से टच हो रहा है और ये सीधा तपोभूमि होते हुए, चिंतामन जवासिया होते हुए बड़नगर रोड, हमने ये आउटर रिंग रोड की जो रचना करी है ताकि सिंहस्थ में बहुत ट्रैफिक, पिछले बार हमको अनुभव रहा है कि बहुत ट्रैफिक होता है, तो उस ट्रैफिक को कैसे डाइवर्ट किया जाए, क्योंकि सिंहस्थ मैंने स्टडी करी थी तो मेरे को ध्यान है कि जब उज्जैन में जाम लगा था तो वहाँ तक जो है सेंधवा, वहाँ तक का जाम था, खरगोन खंडवा सेंधवा तक था, और इधर भोपाल के इधर से गुना तक का जाम था, इधर अगर हम चले जाए तो मंदसौर नीमच के आगे चित्तौड़ तक, तो ये स्थिति क्योंकि दिन प्रतिदिन सिंहस्थ में
लोग आ रहे, अब तो महाकाल लोक होने के बाद पहले 25,000-30,000 लोग दर्शनार्थी तीर्थार्थी आते थे, लेकिन अब पर डे 2,00,000 लोग के लगभग आ रहे हैं, तो ट्रैफिक तो बढ़ ही रहा है। और जैसे अभी शिवरात्रि आई तो शिवरात्रि में लगभग 12,00,000 लोग थे, तो ये क्योंकि गाड़ियां भी दिन प्रतिदिन लोग ले रहे हैं, जीवन स्तर सुधरा है, अच्छे दिन आए हैं मोदी जी के, तो मोदी जी के कारण तो लोगों का जीवन स्तर भी, तो लोग आते हैं दर्शन करने और गाड़ियां 4-व्हीलर लेके आते हैं, तो उनको असुविधा ना हो इसलिए हमने ये पूरी प्लान करा मास्टर प्लान। चलिए, इंडस्ट्रियल एरिया एक आपका ड्रीम भी था, कितना सक्सेस आपको अब लग रहा है इसमें? बिल्कुल 100% सक्सेस है, क्योंकि जब मैं चुनाव लड़ रहा था पिछली बार, तो लोगों ने मेरे को, जनता जनार्दन ने कहा था, क्योंकि 90 दशक में हमारे पास हीरा मिल, विनोद मिल, इंदौर टेक्सटाइल, सिरी सिंथेटिक्स, मॉडर्न फैक्ट्री और इसको थी, तो उसमें लगभग 10,000 से 11,000-10,500 श्रमिक काम करते थे, और वो 90 के दशक में वो काल के क्रास में बंद हो गई, जब उस टाइम कांग्रेस का शासन था। 90 से लेकर अभी तक हमारे यहाँ सिर्फ कोई इंडस्ट्री नहीं थी, सिर्फ बाबा महाकाल के अलावा और बाबा के तीर्थयात्री जो भी आते थे, मतलब हमारे यहाँ बेरोजगारी का बहुत माहौल था। तो लोगों ने कहा था कि सांसद जी, आपके पहले भी सांसद हुए हैं लेकिन इंडस्ट्री नहीं डाल पाए, लेकिन आप अगर इंडस्ट्री डालोगे तो ये, मतलब ये मेरे चुनावी घोषणा पत्र में भी था, तो मैंने उनको बिल्कुल सीना ठोक के कहा था कि हाँ करूँगा। और हमने जब माननीय प्रधानमंत्री जी से बात रखी, पीयूष गोयल जी से बात रखी, तो हमारे यहाँ पे ये आप देख रहे हैं जो जगह, ये नॉलेज सिटी हुआ कर, नॉलेज सिटी के लिए रिजर्व था, लेकिन फिर इसको विक्रम उद्योगपुरी में हमने कन्वर्ट करके यहाँ पे आप देखेंगे पूरा डेवलपमेंट चल रहा है। और आत्मनिर्भर भारत की जब बात करी मोदी जी ने, तो उसमें 4 मेडिकल डिवाइस दिए पूरे देश में, जो हम विदेशों से आयात करते थे दवाइयाँ और इंजेक्शन से लेकर वेंटिलेटर तक के इक्विपमेंट, मेडिकल संबंधित इक्विपमेंट, अब वो 4 आत्मनिर्भर भारत में हमारे देश में ही बनेंगे। उसमें से एक मेडिकल डिवाइस माननीय प्रधानमंत्री जी ने उज्जैन में दिया, जिसमें मेडिसिन बनेगी और इंजेक्शन से लेकर वेंटिलेटर तक की कंपनियाँ यहाँ आ गई हैं और वो यहाँ पर वो उत्पादन करेंगी, और अब हम उन देशों में खड़े हो गए जो दवाइयाँ बाहर निर्यात करेंगे। और आप ये देख रहे हैं, ये जो सामने आपके स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ये लगभग 6 वो हैं मेडिकल संबंधित रिसर्च सेंटर, और यहाँ पे सामने भी 3 यहाँ हैं, 6 यहाँ है, 9 रिसर्च सेंटर हैं। अच्छा। टेस्टिंग लेबे हैं, बड़ी बड़ी ये सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा दी गई हैं। यहाँ पर जितनी भी मेडिकल संबंधित इक्विपमेंट और वो बनेंगी मेडिसिन, वो यहाँ पे टेस्ट होगी। अच्छा। यहाँ से ही सर्टिफाइड होकर WHO से सर्टिफाइड होंगी और मार्केट में और विदेशों में सप्लाई की जाएगी। ये मोदी जी का जो विजन है आत्मनिर्भर भारत, तो उनका मैंने जब उनसे आग्रह करा निवेदन, उज्जैन भी आत्मनिर्भर हो जाएगा फिर ऐसे तो, उज्जैन का भारत ही आत्मनिर्भर हो रहा है उसमें, उज्जैन उज्जैन नहीं वो जो है उपलब्धि दी है। अब इसमें जो दवा मेडिसिन बनेंगी उनका पैकेजिंग होगा, उनके बॉक्स की कंपनियां, उनके कई कंसल्टेंट कंपनियां हैं वो भी यहां आ रही हैं। तो अभी सबसे बड़ी कंपनी जो है भारत सरकार की 7-स्टार कंपनी कर्नाटक बायोटेक, वो भी यहाँ आ गई है, वो भी लगभग 500 करोड़ का उनका प्रोजेक्ट है, उनका भी काम तेज गति से चल रहा है। यहाँ पे आप दूसरी और इंडस्ट्रियाँ देख रहे हैं जो मेडिकल संबंधित है, वो भी यहाँ आ गई हैं, कुछ के तो उत्पादन चालू भी हो गए हैं। और विक्रम उद्योगपुरी जो आगे एरिया आपको दिखाया, जैसे अमूल और ये जो बनरी पाइप, हमारी फेना आ गई है, अमूल आ गई है, बेस्ट आ गई है और पेप्सी कोला आ गई है, तो ये कंपनियां भी यहाँ बड़ी बड़ी आ रही हैं, लगभग 40 कंपनियां वो भी आ चुकी हैं। आने वाले समय में हम लगभग यहाँ पे उज्जैन संभाग के नहीं पूरे मध्य प्रदेश के युवाओं को, 1,00,000 युवाओं को रोज़गार देने वाले हैं। और हमको जगह कम पड़ी तो हमने अभी मध्य प्रदेश शासन से और जगह की डिमांड करी है, तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने उसको भी स्वीकार कर, ये भी कह सकते हैं कि कंपनियां भी इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे आने के लिए 100% बढ़ाने की जरूरत पड़ी। हाँ, इसमें लीलन कंपनी जो है पश्चिम बंगाल की, यशोदा इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, वो भी यहाँ आ गई है, उनने भी जमीन ले ली है और उनने मशीन के भी ऑर्डर दे दिए हैं, उनका भी काम चालू होने जा रहा है बहुत जल्दी। तो उसके साथ वो जूट का भी एक प्लांट ला रहे हैं कि जो जूट से जो पश्चिम बंगाल की मोनोपाली है वो भी हम यहाँ लेके आ रहे हैं। हम पर्सनल एफर्ट्स भी कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल भी इंटरेस्टेड दिखा रहे हैं, और हम और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, हम दोनों मिलजुल के प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे और ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री आए। और जब इंडस्ट्री मीट हुई उसमें काफ़ी इंडस्ट्रियल जो आए थे उन्होंने अपना इंटरेस्ट भी जगाया है। तो ये होगी कि अच्छा रोज़गार मिल जाएगा, आपने बता दिया कि
आपने जो लोगों से वायदे किए थे वो 100% आपने पूरे करने की कोशिश की है, और आप कह रहे हैं इस इंडस्ट्री को और भी बढ़ाना, इसके अलावा जिस प्रकार से आपने सड़कों को लेकर के भी बताया, कुछ और भी नई प्लानिंग आपके पास ऐसी है? बिल्कुल, हमारा रेलवे स्टेशन यहाँ आगे आप जाएंगे तो ये जो एरिया है ये तो बहुत ही डेवलप हो रहा है। यहाँ पे हमने विक्रम नगर उद्योगपुरी जो स्टेशन है, विक्रम नगर स्टेशन, वो डेवलप हो गया है। यहाँ पे क्योंकि लोडिंग अनलोडिंग का काम भी यहाँ पहले से ही चल रहा था और अब तो वो डेवलप हो गया है। पहले वो सिंगल लाइन थी, अब उसको डबलिंग कर दिया, रेलवे स्टेशन बन गया 850 करोड़ की लागत से। हमारा एयरपोर्ट आगे है, हवाई पट्टी जिसको कह रहे थे, उसको भी हम डेवलप करें। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने उसमें 300 करोड़ रुपये भी स्वीकृत करे, वो डेवलप हो रहा है। अभी तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो हार्ट पिपलिया में कार्गो का एशिया का सबसे बड़ा जो जा रहा था एयरपोर्ट, हमने मध्य प्रदेश शासन से और केंद्र शासन से डिमांड करी, मैंने खुद ने, कि उसको उज्जैन और इंदौर के बीच में रखा जाए, जिससे कि इंदौर पीतमपुर ये जो इंडस्ट्री एरिया और उज्जैन इंडस्ट्री एरिया, तो कार्गो का उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट, और देवास जी पास पड़ता तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट यहाँ मिलेगा, और तीर्थयात्री दर्शनार्थी भी यहाँ आते हैं, तो वो भी हम ला रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये पूरा जो विकास है ये चौमुखी नहीं 200 मुखी विकास उज्जैन में है, और मेरा जुनून रहता है कि विकास विकास और विकास। मैं जब तराना का विधायक था, आप वहाँ पे भी जाके देखेंगे, मैंने सड़कों का जाल बिछाया, चारों तरफ से कनेक्टिविटी कर दी, डैम बनाए, मैंने नर्मदा लाइन वहाँ लेके आया, तो मैंने वहाँ पे भी खूब विकास करके दिखाया। अभी आज 850 करोड़ का रेलवे स्टेशन, अभी जिसका भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल करा है, 451 करोड़ का फर्स्ट फेज है, सेकंड फेज 400 करोड़ का है। ऐसे विक्रम नगर उद्योगपुरी का हमने चालू कर दिया, विक्रम नगर स्टेशन, चिंतामणि स्टेशन हमारा चालू हो गया, जो इंदौर से फतेहाबाद होते हुए उज्जैन हमारी मीटर गेज थी वो उखड़ गई थी और उस पर सड़क प्रस्तावित हो गई थी, लेकिन हमने हम लोगों के प्रयास से उसको वापस से वो चालू हुई, मीटर गेज से ब्रॉडगेट, ब्रॉडगेट से डबलिंग, और 4 फेरे मेमू के, 2 आने के 2 जाने के वो भी चालू हो गए। वो हमारी जीवन रेखा है, क्योंकि हमारे युवा अपडाउनर भी है, हमारे युवा वहाँ पढ़ने भी जाते हैं, और हमारे जो किसान है वो सब्जी दूध ये वो सप्लाई भी करते हैं। इंदौर चूँकि बड़ी सिटी है तो वो उसके रेल लाइन हटने से बड़ी समस्या आ गई थी, लेकिन वो भी अब बढ़िया हो गई है। अब इंदौर से फतेहाबाद होते हुए बड़नगर से रतलाम ये लाइन भी हमने डबलिंग करा दी, वो भी 200 करोड़ की है। कितने अब लगातार जब से बात करें, पिछले 1 घंटे से आप गिनवा जा रहे हैं, इतना सारा फिर टाइम कैसे निकाल लेते हो काम के लिए? मैंने कहा ना, मेरी बात होती है कि ऊपर से लेके आना प्रोजेक्ट को, उसको पास कैसे करवाते हो फिर इतने सारे? साहब ये जुनून क्या है कि मैं पहले जब छात्र राजनीति में था तो मैं सोचता था कि यार क्या नहीं हो सकता, हम क्यों नहीं कर सकते, हमारे लोग क्यों नहीं करते हैं। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं जब मेरे को जब विधायक बनाया तब मध्य प्रदेश में सरकार थी भाजपा की, तो मैंने विकास कार्य करे, मैं भिड़ा रहता था। मेरे को अधिकारी कहता था, जब जिस दिन शिवराज सिंह जी चौहान हमारे तात्कालिक मुख्यमंत्री, उन्होंने नर्मदा जी की लाइन उज्जैन में वो नर्मदा जी का पूजन करा था, नर्मदा शिप्रा का, तभी मैंने संकल्प लिया था कि मैं तराना में नर्मदा काली सिंध को लेके आऊँगा। तो अधिकारी कहते थे असंभव है, असंभव है। मेरे पीएम ये भी कहते थे, सर अपन पत्थर पे सर फोड़ा, लेकिन मैं भिड़ा रहा तो नर्मदा काली सिंध लाइन में सबसे पहले मैं लेके आया हूँ। मैंने पूरी लाइन को बिछवाने का काम किया और चालू भी हो गया, अभी टेस्टिंग चल रहा है उसका। इसके बाद मैंने मतलब उज्जैन में भी, मैं दिल्ली में जाके बैठता नहीं हूँ, मैं आराम नहीं करता हूँ। मैं इस मंत्रालय से, इस मंत्रालय, इस मंत्रालय से अधिकारियों से मिलना जुलना, क्या योजनाएं हैं, कैसे आ रही हैं, कैसे ला सकते हैं, जिज्ञासा, क्योंकि मेरे क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। और उसमें मेरे को सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिला, मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि मैं जब सांसद बना तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुझे काम करने का मौका मिला, और मोदी जी खुद 18 घंटे 20-20 घंटे काम करते और हमेशा तरोताजा रहते हैं, तो वो एक प्रेरणा भी थी कि माननीय मोदी जी जब इतना काम कर सकते हैं और मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि उनके नेतृत्व में काम करने का मुझे अवसर मिला। तो मैंने जो जो डिमांडें करी, और ये बात भी सही है कि हमारे जो मंत्री माननीय मंत्री जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, वो विजन समझते हैं कि यार ये युवा सांसद है, ये क्या चाहता है, ये कुछ कर गुजरना चाहता है, तो उनने बराबर आशीर्वाद दिया, मौका देते हैं, मौका दिया उनने,
और बराबर उनने मैंने जो जो डिमांड करी है माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मेरे उज्जैन आलोर संसदीय क्षेत्र को मिली। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिल गया, अब जनता के जब बीच जाते हैं तो आशीर्वाद मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, जनता बहुत प्रेम कर रही है, बहुत बोल जनता से। आप मैं क्या है कि मैं अपने मुंह से बोलूंगा तो मियां मिट्ठू कहलाऊंगा। हाँ। आप जनता से जाके पूछिए। हाँ। जनता को पहली बार लगा कि सांसद इतने काम करता है क्या। अब जैसे उज्जैन झालावाड़ की बरसों पुरानी हमारी रेल लाइन की मांग थी, जो कांग्रेस शासन में मीसा में कांग्रेस ने जान बुझ करके उस लाइन को उखाड़ के फेंक दिया, उस लाइन के लिए मैं सतत प्रयास करता रहा। आज हमारे रेल मंत्री और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमको उसकी DPR बनाने की स्वीकृति मिल गई है, 5 करोड़ रुपये ने आवंटन भी कर दिए। तो ये एक हमारा एक कदम और आगे बढ़ गए हम उज्जैन झालावाड़ के लिए। एक लाइन हमारी क्लियर हो जाएगी जिससे कि बहुत उज्जैन से दिल्ली के लिए लाइन क्लियर होगी, एक नई लाइन मिलेगी, समय का बचत होगी और लोगों को उज्जैन से आगर नलखेड़ा सोया सुसनेर झालावाड़ के लोगों तक को सुविधा मिलने वाली है और इंदौर के लोगों को भी मिलेगी। तो ये उपलब्धि है ना जी, और वहाँ पर इंडस्ट्री एरिया ये वो सब डेवलप होगा। फाइनली अगर आपको आपकी जनता से कुछ अपील करनी है तो क्या कहेंगे? जनता से तो मैं ही अपील करूंगा कि भाई हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से सहयोग से, हमारे मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद सहयोग से जब हम इतना डेवलपमेंट कर रहे हैं, दिल से मेहनत कर रहे हैं और उज्जैन के विकास के लिए, तो अब की बार 400 पार तो इस बार रिकॉर्डेड, अगर सब जनता जनार्दन जो जिनकी उनको लगता है कि मैंने उनके दिल से काम करे, मांगे पूरी करी हैं और उज्जैन का भेड़ के विकास करा है, तो वो अवश्य 5 लाख पार कर दे, रिकॉर्डेड वोट दे। क्योंकि देखिए ईमानदारी से कोई जनप्रतिनिधि मेहनत करता है, जी तोड़ मेहनत करता है और अपनी जनता के बीच में खड़ा रहता है तो उसको जनता प्यार करती है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता का प्यार मुझे अवश्य मिलेगा और हम जो कहते हैं वो करते हैं। और देखिए ना, जैसे जावरा वाली रोड भी हो गई है, जावरा उज्जैन पीथमपुर वाली, उसकी भी स्वीकृति हो गई है। ये राजनीतिक नहीं है, ये जनता की सुविधा जनता की तकलीफ को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के हम जनप्रतिनिधि हैं, जो मोदी जी ने कहा है कि जनता की तकलीफ में साथ खड़े रहो, उनके साथ कंधे से कंधा, उनके दुख में शामिल हो, सुख में शामिल हो, तो हम वो प्रयास करते हैं कि हमारी जनता क्या चाहती है। हम कांग्रेस जैसे नहीं है सिर्फ पांव छू के बेवकूफ़ बनाना और जबरदस्ती लोगों को बेवकूफ़ बना के और झूठे वादे करना। अभी मेरे साथ सांसद अनिल फिरोजिया थे जिनसे मैं बातचीत कर रहा था। बड़े एनर्जेटिक हैं, युवा हैं और काम करने का कहीं ना कहीं इनके मन में बड़ा वो रहता है, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री इनको पसंद करते हैं। कोई भी मंत्रालय रहा, सब ने इनकी दिल खोल करके मदद की। आपने हमें इतना सारा समय दिया सांसद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि आपके पास गिनवाने को बहुत सारा है, समय की कमी की वजह से मैं थोड़ा रोक रहा हूँ, फिर कभी आपसे मिलते हैं, बाकी की जो आपकी उपलब्धियाँ हैं उनको हम फिर से दिखाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सत्य सटीक बेबाक।